अच्छा, अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यार इसको समझने से पहले सर्वर तो हमने रन कर लिया है, बना लिया है। अच्छा, ये स्क्रीन नहीं आई है। अच्छा, ये सर्वर तो हमने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे रन कर लिया है, लेकिन उससे सर्वर के कोड को हम लाइन बाय लाइन समझने से पहले हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि सर्वर होता क्या है इन द फर्स्ट प्लेस, और क्या कहते हैं, सर्वर से क्या काम किया जाता है। तो कौन मुझे आप में से ये बताएगा, क्योंकि आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं और 21st सेंचुरी में आप लोगों ने माशाल्लाह आँख खोली है, तो ज़रा कोई मुझे आप में से बताएगा यार, सर्वर का जब नाम लिया जाता है तो आपके जहन में क्या बात आती है? व्हाट इज़ अ सर्वर? वेब ब्राउज़र जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है और वहाँ से डेटा वापस आके स्क्रीन पे मुझे दिखता है। सही बात बताई है इसने, ठीक है। हाँ भाई, और कोई बताए अपना? नेटवर्क के थ्रू अपना डेटा एक्सेस करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्वर क्या है? नहीं, स्टोरेज तो डेटाबेस में होती है ना, सर्वर में नहीं होती जी। बिल्कुल, एक ऐसा सिस्टम है जो हर वक्त ऑन है और वो इट इज़ लिसनिंग फॉर रिक्वेस्ट, कि अगर कोई रिक्वेस्ट भेजे तो मैं उसको जवाब दूँ, ये ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? अच्छा चलो, मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद वो करता हूँ, ब्रेन स्ट्रोमिंग मज़ीद करता हूँ आपकी मैं, कि सर्वर क्या कोई हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है या दोनों है? अच्छा, तो देखो हर चीज़ के ना, हमारे एक बड़े अच्छे टीचर थे नौशाद आरजू साहब, थे नहीं हैं अभी भी, वो कहते थे यार किसी भी चीज़ के बारे में आपको अगर जानना हो ना तो सबसे पहले आप उसके नाम में आप गौर करें तो आधी कहानी आपको समझ आ जाती है, ठीक है। नाम में छुपी भी होती है आधी कहानी। तो क्या कहते हैं, सर्वर नाम का क्या मतलब हुआ कि सर्व करने वाला, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपसे वो मांगता है पानी, तो आप उसको पानी दे देते हैं, तो आप उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करते हैं, आप उसके रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं सामने से, ठीक है। तो सर्वर का मतलब ये है कि भाई कोई सामने से सर्व करने वाला होगा। अच्छा, सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है, वो एक हार्डवेयर नहीं होता है। आमतौर पे ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है हमारे यहाँ, हम आमतौर पे सर्वर को जो है ना हार्डवेयर समझते हैं, ठीक है। हालांकि सर्वर हार्डवेयर नहीं है, सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर होता है। यार ज़रा पीछे तुम जो बैठे हुए हो ना, पीछे एसी का ज़रा मॉड वाला बटन दबा के ना उसको ड्राई पे कर दो। ड्राई पे करोगे ना तो एक तो सूरज की तरह बना हुआ रहा है ना वो फ्लेक, वो कूल होता है, और उस पर वो दो बूंदें पानी की बनी हुई आ रही होंगी, उस वाले मॉड पे ले आओ उसको। नहीं नहीं बस एक को काफ़ी है, उसको छोड़ दो, उसको वैसे ही रहने दो। मॉड का बटन दबाओगे ना तो वो हो जाएगा उसको। अच्छा यार, हाँ हो गया, हाँ ड्राई पर। आजकल ह्यूमिडिटी असल में बहुत ज़्यादा हुई भी है, तो ड्राई मॉड इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो सर्वर जो है ना वो सॉफ्टवेयर। अब ये मिसकंसेप्शन बनी कैसे? मिसकंसेप्शन ऐसी बनी कि ये जब सर्वर सिस्टम्स शुरू में ईजाद हुए, सर्वर का ये अप्रोच सामने आई, तो सर्वर पे क्योंकि हर तरफ से रिक्वेस्ट आ रही होती है, तो सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है उसको चलने के लिए आम तौर पे रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होती हैं, किसी आम कंप्यूटर से ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होती हैं एक सर्वर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। हाँ भाई, किधर थे तुम? खाना खाने? क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है यार, बंद करो यार उसको। अब जो भी आएगा उसको वापस घर भेजूंगा मैं। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन ऐसे बनी
कि सर्वर का जो सॉफ्टवेयर है ना उसको चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं ज़्यादा। जैसे फोटोशॉप एक ज़माने में हमारे बचपन में ना फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर था जिसको चलाने के लिए बहुत अच्छी स्पेसिफिकेशन चाहिए होती थी, ठीक है। अब तो खैर इतने हैवी हो गए हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और जो प्रोसेसर इतने तेज़ हो गए हैं कि अब वो इतना मसला नहीं है उसका। वेल तो उस ज़माने में यही चक्कर था। तो IBM और ये दूसरे कंप्यूटर के हार्डवेयर बनाने वाली कंपनीज़ है ना, इन्होंने ये टैग लाइन लगाना शुरू कर दिया अपने CPU के अंदर, ये अपने जो मशीनों के अंदर हार्डवेयर मशीनें जो थी, कि जी ये सर्वर मशीन है। अच्छा, मतलब उसका ये था कि ये वो मशीन है जिसमें आप सर्वर चला सकते हैं, ये 24/7 चलेगी तो उसको कुछ होगा नहीं, ठीक है ना। जैसे आम जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसको आप 24/7 नहीं चला सकते, मतलब 24/7 आप चलाएंगे 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता पूरे महीने या पूरे साल नहीं चला सकते। प्यारे दोस्त कहाँ थे आप, बैठो। तो वो इस तरह की जो जो यानी रिक्वायरमेंट होती थी ना सर्वर को चलाने के लिए, वो सारी चीज़ों को करके वो एक मशीन उन्होंने बनाई, उसका नाम ये टैग लाइन लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि लोग बहुत सारे ना पर्सनल कंप्यूटर चलाने वाले लोग भी इंटरेस्टेड हुए कि अच्छा यार मेरे को रोबस्ट किस्म का, जैसे डेवलपर है कोई अब उसने काम ही कंप्यूटर से करना है तो चाह रहे कि थोड़ा डिपेंडेबल किस्म का मैं ले लूँ, तो वो लोग भी सर्वर वाले कंप्यूटर ले लेते थे। लेकिन वो आमतौर पर पावर हंग्री होते हैं सर्वर वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ना वो हो गया कि जी दुकान वाला आपको क्या बोलता है कि यार ये सर्वर PC है ये ले लो, ठीक है। उसको आमतौर पे उसको थोड़ा पावरफुल कंप्यूटर के तौर पे वो पेश किया जाता है। अच्छा, और अल्टीमेटली क्या हुआ, हमें आहिस्ता आहिस्ता लगने लगा कि शायद यही इसी को सर्वर कहते हैं, हालांकि वो टैग लाइन था कि जी इस पर सर्वर चलेगा, ठीक है। तो सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर। अच्छा, सर्वर जो एक सॉफ्टवेयर है, अब क्या चक्कर होता है इसको गौर से समझना। सर्वर कहीं ना कहीं क्लाउड में पड़ा हुआ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सर्वर कहीं क्लाउड में हो, सर्वर यहाँ आपके इस कमरे में भी हो सकता है। अभी मिसाल के तौर पे मैं ये सर्वर का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है ये एक छोटा सा सर्वर का सॉफ्टवेयर है, ये मेरे इस कंप्यूटर में चल रहा है। अच्छा, तो मेरे इस कंप्यूटर में चलने का मतलब ये है कि मेरा ये कंप्यूटर इस बिल्डिंग के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो जो लोग इस बिल्डिंग के नेटवर्क में मौजूद हैं वो मेरे इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उनको मेरी IP पता होनी चाहिए, लेकिन उनको मेरी IP पता होगी तो वो कर पाएंगे एक्सेस, अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो आप लोगों के पास भी वाईफाई लगा हुआ है यहाँ का, कितने लोगों के पास लगा हुआ है, 2-4 लोगों के पास तो है। अच्छा, तो अब मैं जो है ना आप लोगों को क्या करूँगा, ये जो मेरा सर्वर है ना जो ये मैंने यहाँ पे इस कंप्यूटर पे बनाया हुआ है, आपको मैं अपने कंप्यूटर का IP एड्रेस बताऊँगा, आप मेरे इस सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये मेरा सर्वर आपको रिस्पांस भेजेगा, सही है। ये एक्टिविटी कर लीजिए। अच्छा, ये जो मेरी IP है ना वो है, ये है भला, आपने अपने ब्राउज़र के अंदर जाके ना, जो लोग यहाँ के वाईफाई से कनेक्टेड हैं उनके पास खुलेगा ये, आपने अपने ब्राउज़र के अंदर जाके एग्जैक्टली ये लिखना है जो मैंने सिलेक्शन की हुई है ना जितने पार्ट की, आपने ये पार्ट लिखना है एग्जैक्टली। तो आपको क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड का रिस्पॉन्स आपके पास चला जाएगा। हाँ भाई, क्या कह रहा है ये, इनवैलिड जी, ये चक्कर है यार, एक्सप्रेस 3000 सब कुछ तो सही है इसके अंदर, app.get/request response ओके, गॉट इट, ये मेरा, मैंने गड़बड़ की है इसमें। हाँ, अब करो, एक मिनट रुक जाओ, मैंने अब करो, अब आएगा। टाइम आ जाता है, सही है इसके अंदर। मैंने हेलो वर्ल्ड के साथ वो कॉमा लगा दिया था, रिस्पांस में ना सिंगल स्ट्रिंग भेजा जा सकता है, मैंने कॉमा लगा दिया था इसलिए गड़बड़ कर रहा था वो। तो अब जो भी, अब आप देखें ये एक रियल सर्वर है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, नहीं आ रहा, आएगा, वो तुम्हारा कैशे हो गया होगा,
इनकॉग्निटो में करके देखो, वो केशव हो गया होगा ना, वही ला रहा है बार बार, फिर वो चेंज नहीं कर रहा। केशव क्लियर कर लो, ब्राउजर की हिस्ट्री में जाके केशव और सारा डेटा क्लियर कर लो। और मेक श्योर करो कि तुमने ये 3000 भी लिखा है कॉलन के बाद। अच्छा, ये आप अपने घर पे भी ये एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आपके घर पे एक कंप्यूटर में आपने ऐसा सर्वर बना के रन किया, और उसी सेम नेटवर्क पे अगर आपका कोई दूसरा मोबाइल फोन या दूसरा कोई कंप्यूटर है तो आप वहां से इसको एक्सेस करेंगे तो ये हो जाएगा। नहीं नहीं, दूसरे नेटवर्क पे नहीं चलेगा, ये सेम नेटवर्क पे फिलहाल ये काम करेगा। अच्छा, दूसरे नेटवर्क से भी ये चलेगा, लेकिन आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर होता है ना, उसने ये बंद किया हुआ होता है। फिर दूसरा, ये आपकी जो आईपी है ना, ये असली आईपी नहीं होती, ये मास्क वो होता है, ये पूल आईपी होती है। मिसाल के तौर पे ये 192.168 जो है ना, ये यहाँ की असली आईपी नहीं है। ये असली आईपी तो वो दिखती है ना, व्हाट इज़ माय आईपी लिखोगे ना गूगल पे जाके तो उससे दिखती है, जो पब्लिक आईपी होती है। तो ये हमारा ना इंटरनल पूल है, जिस राउटर से मैं कनेक्ट हूँ ना, उस राउटर की आईपी है ये, तो वो उस राउटर में ही मिलेगी, जाहिर है बाहर तो मिलेगी नहीं। तो असल में ये चक्कर, ये सेटिंग सारी इस वजह से बनाई गई है, ये जो ब्लॉक किया है ना कि जी मेरे कंप्यूटर को कोई बंदा इस नेटवर्क के बाहर से रिक्वेस्ट ना भेज सके बाय डिफ़ॉल्ट, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए किया गया है। तो आमतौर पर ये बंद करके रखते हैं कि जी कोई ना, अगर आपकी पब्लिक आईपी भी किसी को मिल जाए ना, तो उस आईपी पे डायरेक्ट रिक्वेस्ट वो नहीं भेज सकता। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता है, ये सिक्योरिटी पर्पस की वजह से बंद होता है। आप इसको खुलवा सकते हैं, आप इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग कहते हैं, तो पोर्ट फॉरवर्डिंग आप बोलें यार आप इसको खोल दो फ़ोन करके, तो PTCL को फ़ोन करेंगे, आप खोल देंगे। हो सकता है कुछ पैसे वैसे लें आपसे एक्स्ट्रा, लेकिन आपको ओपन कर देंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग। ठीक है जी, सब लोगों ने चला के देख लिया इसको। अच्छा, अब ये एक है रियल सर्वर, इस वक्त ये मेरे कंप्यूटर में मौजूद है, आप इसको रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपको रिस्पॉन्स भेजता है। अच्छा, अब ये कौन कौन सी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भेजेगा, क्या क्या आप पूछेंगे तो ये जवाब देगा, वो मैं यहाँ पे कोड लिखूँगा पूरा बाकायदा। अभी मैंने सिर्फ एक ही सवाल का जवाब लिखा है स्लैश, बस, और किसी सवाल का ये जवाब नहीं देगा। आप स्लैश के आगे, मिसाल के तौर पर आप लिखेंगे ना, अगर ये पूरा URL लिखेंगे और आगे लगा के आप स्लैश लिखेंगे प्रोफाइल, तो ये आपको कोई जवाब नहीं देगा। सही है, आपको बोलेगा भाई 404 ये तो है ही नहीं। अच्छा, लेकिन अगर मैं ये बना दूं नीचे स्लैश प्रोफाइल, यहाँ पे अगर मैं बना दूं, तो फिर ये जवाब देने लग जाएगा। सही है, मैंने दिस इज प्रोफाइल करके यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब मैं सर्वर को रोक के चलाऊंगा दोबारा, तो ये इफेक्ट आएगा इसका। अब आप भेजेंगे स्लैश प्रोफाइल, तो ये मिल जाएगी रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा इसका, इससे पहले नहीं मिलता 404। अच्छा, अभी प्रोफाइल के अलावा आप कोई और बात लिख देंगे इसमें, स्लैश लॉगिन लिख देंगे, तो आपको 404 मिलेगा। तो एक सर्वर जो होता है उसकी APIs मैं खुद बनाऊंगा तो बनेगी, वो खुद से नहीं बनेगी बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये दिस इज़ वन API एंड दिस इज़ सेकेंड API। अब इसी तरह 4, 5, 6, 10, 12 APIs मैं इसमें लिखूँगा कि जी किस सवाल का क्या जवाब दिया जाए। अब ये पूरी साइंस है जो इंशाल्लाह अभी हम अगले कुछ क्लासेस में ये पूरी साइंस को समझेंगे कि ये क्या चक्कर होता है। अच्छा, ये बात पता चल गई। अच्छा, APIs जब मैं कह रहा हूँ तो APIs से क्या समझ आता है आपको, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको API समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ। व्हाट डज इट मीन बाई API, कौन बताएगा? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, उर्दू में प्रोग्राम आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको API कहते हैं। और बोलो भाई, देखो एक होती है GUI है ना, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एक होती है सिर्फ UI यूज़र इंटरफेस। मिसाल के तौर पे जो ये AC का भी मैंने बटन दबा के वो मॉड चेंज करवाया, वो बटन जो प्रेस किया इसने वो क्या है, वो UI है, यूज़र इंटरफेस है। कि अगर एक इंसान को इस AC से बात करनी होगी या इस AC को इंस्ट्रक्शन देनी होगी तो वो उस UI को जाके इस्तेमाल करेगा, यूज़र इंटरफेस को, और वहाँ पे बटन दबा के उसको अपनी इंस्ट्रक्शन दे देगा। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन को अगर मैंने चलाना है तो उसका यूज़र इंटरफेस, वो घुमाता हूँ तो वो चल जाता है, एक माइक्रोवेव को मैं घुमाता हूँ तो वो चल जाता है, एक चूल्हे को मैं घुमाता हूँ वो जल जाता है,
ये सारे यूआई हैं, ये क्या है, यूज़र इंटरफेस है, एक इंसान के लिए बनाया गया इंटरफेस है कि आप इस मशीन से कैसे बात करोगे। इस कंप्यूटर का यूज़र इंटरफेस क्या है, इसका कीबोर्ड और माउस और ये स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन भी यूज़र इंटरफेस है क्योंकि आजकल टच स्क्रीन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो वो टच स्क्रीन भी यूज़र इंटरफेस होता है कि आप टच कर देते हैं उसके ऊपर हो जाता है काम। अच्छा, एक होता है GUI। GUI क्या होता है, उसी यूज़र इंटरफेस का ग्राफिकल वर्जन होता है ना। आपको जैसे वो आप आजकल वो कुकिंग वाले बच्चे गेम खेलते हैं, कुकिंग हो रही है भाई अंदर, माइक्रोवेव चला रहे हैं, वो टिंग चलता है एक मिनट फिर बंद होता है। अब वो असल जो घुमा रहे हैं वो माउस से या टच स्क्रीन से, वो असल में माइक्रोवेव का बटन तो है नहीं ना। या चलो बहुत बेहतरीन एग्जांपल है उसकी कैमरा। अब कैमरे के अंदर जो बटन उस पर बना हुआ होता है और क्लिक करते हैं जो उसको, तो वो क्या है, वो यूज़र इंटरफेस तो है लेकिन उसका वो ग्राफिकल वर्जन है। जो मैं जब क्लिक करता हूँ कैप्चर के बटन पर, तो वो ग्राफिकल वर्जन है उसका, वो एक्चुअल कोई बटन नहीं है बाकायदा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर देखो, ये कोने में छोटा सा ना क्रॉस का बटन आ रहा है, ठीक है, इसको प्रेस करूँगा तो ये सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। बट ये सब ग्राफिक्स है, ये ग्राफिकल वर्जन है, ये कोई एक्चुअल बटन नहीं है, ये कोई एक्चुअल एसी पे जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ बकायदा, उस तरह का कोई बटन नहीं है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है, GUI। तो UI समझ आया और GUI समझ आया, सही है। अच्छा, एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। कि जी ये भी इंसानों के लिए बनाया जाता है कि जी कमांड लिखोगे आप और इंटरफेस है वो, आप वहाँ से अपनी बात बताओगे, कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शन दोगे। तो ये तीनों एक तरफ हो गए। अब आ जाता है API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस तो ये समझ आ रहा है कि जी कोई बना हुआ है, कोई बटन शटन लगे होंगे, उस पर दबाओगे तो कुछ होगा, इंटरफेस का तो ये मतलब होता है। लेकिन ये कह रहा है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो एक मशीन में जो इंसानों के लिए जो पैनल बना हुआ होता है ना बटन दबाने का, वो है यूज़र इंटरफेस। और एक मशीन में एक दूसरी मशीन के लिए जो पैनल बना हुआ है वो है प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। वो क्या है, वो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। मिसाल के तौर पे जैसे इस एसी की अगर मैं बात करूँ, तो एक तो इसमें लगा हुआ बटन यूज़र इंटरफेस, इसका एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस भी है। वो क्या इंटरफेस है भाई, जब मैं रिमोट का बटन दबाता हूँ ना, रिमोट एक कंप्लीट डिवाइस है ना, रिमोट एक उसमें अपने पावर सोर्स है, अपना सर्किट है, बटन वटन सब अपने हैं। अब रिमोट का जब मैं बटन दबाता हूँ ना यहाँ से बैठ कर, तो रिमोट एक कंप्लीट मशीन है, वो मशीन कुछ कहती है उससे समहाउ। कोई ऐसा इंटरफेस उस एसी में एक्सपोज हुआ हुआ है जो हमें नहीं दिख रहा, बट दैट इंटरफेस इज़ फॉर अनदर मशीन। तो इस तरह के इंटरफेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस और प्रोग्रामिंग इंटरफेस में ही समझ आ गया फर्क। अच्छा, अब एसी का बटन दबाया वो समझ जाता है बात, अभी कौन सी ज़ुबान में बात हो रही है वो एक आम आदमी को समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको समझ आ रहा है, कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, ऑन ऑफ कर दिया, इवन दो कि वो ऑफ भी होता है, बटन दबाता हूँ ऑन हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें जो और कौन सी इसकी मिसाल हो सकती है बेहतरीन, जैसे वाईफाई होता है, आपके फ़ोन के और वाईफाई के डिवाइस के दरमियान एक इंटरफेस बना हुआ है समहाउ, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे, ठीक है। एक तो वाईफाई के राउटर पे बटन होता है कि भाई बटन दबा के ऑफ़ कर दो, बटन दबा के ऑन कर दो, या बटन दबा के कुछ कर दो। और एक होता है कि जी मोबाइल की डिवाइस आपसे डायरेक्ट उससे बात कर रही होती है, मोबाइल से ही आप खोलते हैं 192.168 और वहीं से आप ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो ये जो बीच में इसके एक इनविजिबल कनेक्शन है ना, एक जाहिर है वो राउटर अलाउ कर रहा है ना इसको कि जी आप मुझसे बात करो इस तरह से, तो बात हो रही है, अदरवाइज नहीं हो पाती, ठीक है। रिमोट वाला पंखा, रिमोट वाला एसी, रिमोट वाला प्रोजेक्टर, ये सारे उसमें आप समझ लें आ जाते हैं जी। हाँ नहीं, लैपटॉप में भी अगर आपके वायरलेस माउस लगा हुआ है तो वायरलेस माउस समहाउ कनेक्ट है ना। हाँ, ये तो ओवर द इंटरनेट कनेक्ट हुआ है, ओवर द इंटरनेट है। हाँ, ये भी इसको कह सकते हैं। ये जो छोटा सा इसमें लगा हुआ है ना क्रोमकास्ट, क्रोमकास्ट की वजह से ये पॉसिबल हो पा रहा है। क्रोमकास्ट क्या करता है, अलाउ करता है कि जी आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन ना गूगल क्रोम की जो स्क्रीन है वो आप उधर मिरर कर दें। तो ये भी एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन इंटरफेस है कि जी एक ऐप दूसरी ऐप से बात करनी, गूगल क्रोम उस डिवाइस से बात कर लेता है ओवर द इंटरनेट। तो ये भी एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो बना हुआ है, अंदर चल रहा है, अंडर द हुड। अच्छा, प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना, अब जैसे इस एसी के अंदर जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस है कि जी रिमोट दबाने से होता है, वो मुझे नहीं दिखेगा, वो जिसने बनाया उसी को दिखेगा। आमतौर पर ये क्लोज सोर्स होता है, आमतौर पर ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो जाती है इसकी, लेकिन आमतौर पर ये क्लोज सोर्स होता है। तो इसी तरीके से अब देखो, मैंने जो अपना ये लिखा है ना, अच्छा क्या कह रहा था मैं, जो असल बात शुरू हुई थी कि मैंने एक API लिखी है और ये मैंने एक दूसरी API लिखी है।
अच्छा इस एपीआई को कॉल कौन करेगा? ये मैं कॉल नहीं करूँगा इसको, ये इसको कॉल करेगी एक दूसरी मशीन इस एपीआई को। अभी तो मैंने हाथ से कॉल किया ना, जैसे मैं इधर आया और मैंने कहा कि जी लोकल होस्ट स्लैश प्रोफाइल, ठीक है। अच्छा लोकल होस्ट का मतलब होता है कि जो मेरी मशीन की जो भी आईपी उसकी बात हो रही है, क्योंकि हर दफ़ा मुझे अपनी आईपी ना देखनी पड़े, आपको तो देखनी पड़ेगी क्योंकि आप सेम आईपी नहीं है, तो मेरी मशीन पे ही चल रहा है, मैं बोलता हूँ लोकल होस्ट यार जो भी मेरी आईपी है वो 3000/profile। तो ये तो मैंने हाथ से उसको यहाँ से कॉल कर दिया, लेकिन ये API कभी भी इस तरह से कॉल नहीं होगी। ये API कैसे कॉल होगी? ये API ऐसे कॉल होगी कि जी एक एप्लीकेशन होगी मेरी इस तरह की, इसके ऊपर कोई बटन होगा, ठीक है, यहाँ पे सर्च को लिखेगा और बटन दबाएगा, तो बिहाइंड द सीन ये API कॉल होगी, और उस API से क्या डेटा आ रहा है वो भी स्क्रीन पे उस तरह से नहीं दिखेगा, स्क्रीन पे जो दिखना होगा वो दिखेगा। ये प्रोग्रामिंग सारी हम पहले कर चुके हैं, वेदर ऐप हमने इस क्लास में बनाई है। वेदर ऐप में हम क्या करते थे कि जी एक डब्बा बना होता था, उसमें लिखते थे सिटी का नाम और सर्च का बटन दबाते थे, एक बैकग्राउंड में एक API कॉल होती थी और उससे रिस्पॉन्स आता था और स्क्रीन पे हम उसको अपने हिसाब से रेंडर करवाते थे। पीछे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आता था, हम सिर्फ दो चीज़ें रेंडर करवाई हमने कि जी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। फिर आप लोगों से मैंने कहा कि यार बाकी चीज़ें भी करवाना, तो आपने वो लोगो वोगो आइकन सब बना दिया, प्रेसिपिटेशन भी बना दिया आपने, है ना, इस वक्त लो और हाई टेम्परेचर वगैरह सब आपने रेंडर करवा दिया, ठीक है। तो API से वो एक पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा था, उसको आपने अपने हिसाब से मैपिंग करवा दी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आपको ये बात समझ आ गई कि जो API मैं बना रहा हूँ, जो मेरे सर्वर, अच्छा सर्वर क्योंकि एक मशीन है और मेरा वेब एप्लीकेशन एक मशीन है, यानी कि मेरा लैपटॉप, अब ये दो मशीनें आपस में बात करेंगी ना, तो इसके दरमियान जो कनेक्शन है ये API के ज़रिए होगा। अच्छा, तो क्या होगा, सर्वर में API बनाऊंगा मैं, ये जो अभी मैंने ये बनाया ना, ये सर्वर पे मैंने एक API और दो API बना दी, सर्वर से API एक्सपोज करूंगा मैं, यानी सर्वर पे मैं ये अलाउ कर दूंगा कि इस तरह से मुझसे अगर पूछा जाएगा ना तो मैं ये जवाब दूंगा, तो इसको हम कहते हैं API एक्सपोज करना। अच्छा, जिसी तरह इस AC में एक API एक्सपोज हुई हुई है जिसको रिमोट के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। अच्छा, तो मैंने जो API एक्सपोज की है ना, दिस API इज़ कॉल्ड HTTP API। इस API को ओवर द इंटरनेट एक्सेस किया जाता है, ठीक है, जिस किसी के पास इंटरनेट होगा वो इसको एक्सेस कर पाएगा। अच्छा, क्या एड्रेस लिखेगा? मेरा एड्रेस, मेरी IP, मेरी मशीन है, मेरी IP लिखेगा वो, और मेरी IP लिखने के बाद और साथ में वो बात लिखेगा जैसे स्लैश प्रोफाइल या स्लैश होम या स्लैश डेटा, जो भी मैं यहाँ लिखूँगा वही लिखेगा वो। तो ये मैंने क्या कर दिया, अपने सर्वर पे APIs, बंच ऑफ APIs बना के मैं रख दूंगा, और जो भी दूसरी मशीन, चाहे वो कोई वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई मोबाइल एप्लीकेशन हो, चाहे वो कोई डेवलपर हाथ से उसको हिट करना चाहे, वो सब लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? किसी का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक? सवाल पूछ रहे थे कुछ आप? वो प्रोटोकॉल होता है उसका, WPA प्रोटोकॉल है, पता नहीं क्या नाम है, नहीं जो वाईफाई कनेक्ट हुआ वो तो API है ना, वो API है। हाँ, जब आप, हाँ ये अच्छा सवाल पूछा इसने। देखो हम क्या करते हैं, फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं जब, और वाईफाई सर्च का बटन दबाते हैं, बटन तो नहीं दबाते, वो खुद ही ऑटोमेटिकली सर्च करना शुरू हो जाता है, जैसे ही वाईफाई ऑन करते हैं सर्च करता है, तो वो जब सर्चिंग करता है ना तो वो एक ख़ास किस्म की API को हिट करता है कि जी आसपास जितने भी है ना, मतलब आप उसको अगर आसान लफ्ज़ों में समझे ना, तो आपका मोबाइल ना शोर मचाता है कि भाई किधर है वाईफाई का राउटर, वाईफाई का राउटर उसको सुन लेता है, बोलता है मैं इधर हूँ, अपना नाम बताता है वो। अब ये जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, ये API लेवल पे हो रही है, वो अपना नाम बताता है, वो नाम आपका मोबाइल जो है ना वो नाम आपको दिखा देता है, ठीक है। अब वो नाम आपको, अब आपका मोबाइल ना वो सारी बात नहीं बता रहा जो वहाँ से आई है, जैसे वेदर ऐप में इतना बड़ा ऑब्जेक्ट आता था, दिखाते थे एक चीज़ सिर्फ, तो वहाँ से जो उसने बोला ना कि हाँ मैं इधर हूँ, तो वो आपको नाम स्क्रीन पर दिखा देता है। अच्छा, अब दोबारा आपने नाम पर क्लिक किया, तो नाम पे क्लिक करते हैं तो दोबारा उधर रिक्वेस्ट जाती है कि जी अब मैं आपसे होने लगा हूँ कनेक्ट, पासवर्ड एंटर करते हैं, आप दोबारा हिट करते हैं तो वो पासवर्ड फिर उधर जाता है, वहाँ से वो जवाब देता है कि हाँ यार हो गया ऑथेंटिकेशन कि नहीं हो गया, आपको टोकन देता है वापस वो एक। अब ये पूरी एक, अब ये टॉपिक नहीं है वरना आपको मैं डिटेल में बताता फिर, कि वो टोकन आ जाता है, फिर आपका मोबाइल ना उस टोकन के ज़रिए वाईफाई के राउटर से कंटिन्यूसली बात कर रहा होता है और वो सेव कर लेता है उसको और वो चल रहा होता है। तो ये जो ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हुई है ना कनेक्शन के दौरान, ये सारे API लेवल पे हुआ है, ठीक है, ये GUI नहीं है, ये API है, ठीक है, जो आपस में ये बात कर रहे हैं। अच्छा,
तो हमें ये समझ आ गया कि जी एपीआई जो होता है वो दो मशीनों के आपस में बात करने के लिए बनाया जाता है, और हम जो सर्वर बनाएंगे उसमें जो एपीआई एक्सपोज करेंगे हम, उसकी टाइप है एचटीटीपी एपीआई, ओवर द इंटरनेट इसको एक्सेस किया जाएगा और इसको रिएक्ट की या जावास्क्रिप्ट की ऐप से हम आमतौर पर एक्सेस कर रहे होंगे। अच्छा जी, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है मेरी जो रह गई है? हाँ, अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि ये सर्वर इस वक्त मेरी मशीन में चल रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ये मेरी मशीन में नहीं चलेगा। इसको मैं कहाँ भेजूँगा? क्लाउड पे किसी मशीन में भेजूँगा, है क्लाउड पे भेजूँगा मैं किसी मशीन में। अच्छा, क्यों करूँगा मैं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए करूँगा कि अगर ये मेरी मशीन में चल रहा है ना, और मैं अपना फ्लैप बंद कर दूँगा लैपटॉप का, इसको शट डाउन कर दूँ अगर मैं, तो ये सर्वर भी साथ साथ शट डाउन हो जाएगा। भाई वी एस कोड बंद हो जाएगा, टर्मिनल बंद हो जाएगा शट डाउन करने से, तो पूरा कंप्यूटर बंद हो गया जब, तो जो कोई रिक्वेस्ट भेजेगा इस एपीआई पे तो वो तो ऑफ है कंप्यूटर। राउटर बोलेगा भाई इस नाम से तो कोई कनेक्ट ही नहीं है मेरे पास, तो उसको वो जवाब नहीं मिलेगा, 404 हो जाएगा वो। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि अगर मैं अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में चलाता हूँ तो मुझे 24/7 अपने कंप्यूटर को ऑन रखना पड़ेगा। फिर दूसरा ये कि मेरे पास वो जो, क्योंकि हम जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रेजिडेंशियल इंटरनेट, है ना, रेजिडेंशियल इसको कनेक्शन कहते हैं, तो इसके अंदर वो जो सब बंद किया हुआ होता है उन्होंने, तो वो आपको खुलवाना पड़ेगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, फिर ट्रैफिक का लोड, फिर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि लाइट हर वक्त है, इंटरनेट का कनेक्शन कभी कम ज़्यादा भी होता रहता है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस करनी पड़ेगी सारी, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप अपने घर पे लगा रहे होते हैं सर्वर, ये जैसे मैंने अभी अपने लैपटॉप पे लगाया हुआ है, इस तरह के सेटअप को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑन प्रेमिसेस सर्वर, किसी घर पे लगा हुआ है सर्वर, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये, जैसे मैंने अभी किया हुआ है बिल्कुल कर सकते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग करूँगा पूरी दुनिया में ये अवेलेबल हो जाएगा, पूरी दुनिया से कोई भी हिट करेगा जवाब मिलेगा उसको। लेकिन ये लेस पॉपुलर तरीका है सर्वर को चलाने का, ये कम, अब पॉपुलैरिटी इसकी बहुत कम हो गई है। पॉपुलैरिटी कम होने का रीज़न क्या है? कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, सर्वर को घर पे रख के चलाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ऑन अदर हैंड जब गूगल, क्या है, गूगल अपना जो मशीनें गूगल के पास बहुत ज़्यादा तादाद में, AWS के पास मशीनें बहुत तादाद में, तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं जी हमारी आप मशीनें ले लो किराए पे हमसे, और वहाँ पे आप अपना ये डाल दो, सर्वर चलता रहेगा वहाँ पे, वो मशीन हर वक्त ऑन है, उसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले से हुई भी है। तो हम क्या करते हैं, हम ये अपना सर्वर उठा के भेजते हैं उधर गूगल के पास, हम कहते हैं गूगल बाबा चला दो इसको आप, गूगल बाबा में दे देते हैं URL, कहते हैं यार ये होगा, जैसे मेरी तो IP है ना मेरी, गूगल मेरे मुझे देगा एक URL उस कंप्यूटर का, वो कहेगा जी ये URL है, जो भी हिट करेगा जवाब मिलेगा उसको, आपका सर्वर चल रहा है इधर। अच्छा, तो अब दोनों में ये है मोर पॉपुलर अप्रोच है, और जो हम इस क्लास में करेंगे भी, ये ऑन प्रेमिसेस वाला हम नहीं करेंगे, ऑन प्रेमिसेस पूरी अलग दुनिया है वो, हम करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग। इस कोर्स में आपने अक्सर नाम सुना होगा ना क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये है क्लाउड, कि इस सर्वर को उठाएंगे हम भेजेंगे क्लाउड में। अच्छा, क्लाउड कोई बादल नहीं है, ठीक है, क्लाउड असल में एक टर्मिनोलॉजी डिवाइस हो गई है, एक टर्म डिवाइस हो गई है ऐसे कंप्यूटर के लिए जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, या ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस किया जा सकता है ना जिस कंप्यूटर को, तो हम कहते हैं कि क्लाउड है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरा कंप्यूटर इस वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन पूरी दुनिया में बैठ के कोई भी मेरे कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकता, तो मेरा कंप्यूटर इस वक्त क्लाउड का पार्ट नहीं है। हाँ, इंटरनेट का पार्ट ज़रूर है, इंटरनेट हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक जाल है, ठीक है, जिसमें हर कंप्यूटर दूसरे से जुड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर इस रूम में मोबाइल, जितने मोबाइल फ़ोन हैं सेम वाईफाई के ऊपर, और मेरा लैपटॉप भी उसमें शामिल है, तो ये सब डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये कोई भी डिवाइस चाहे ना तो दूसरे को रिक्वेस्ट भेज सकती है, कोई भी डिवाइस चाहे तो किसी भी इन डिवाइसेस में से बात कर सकती है जो इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं हम क्या, इंटरनेट, कि ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर का एक जाल है, इसी को हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट किसी ने बनाया नहीं है, जितने ज़्यादा इसमें डिवाइसेस आती जाएंगी ये बढ़ता जाएगा इंटरनेट, डिवाइसेस सारी ऑफ कर दो शट डाउन तो इंटरनेट ज़ीरो ख़त्म सही है। तो ये हम समझ गए कि जो है ना आपका क्लाउड क्या होता है जी। हाँ, अभी अभी इस पे आते हैं, तुम्हारा अच्छा सवाल है, अभी इसके अब आगे जवाब आएगा, ठीक है। जो दोस्त ने सवाल पूछा कि हम सर्वर बनाई क्यों रहे हैं इन द फर्स्ट प्ले, वो होगा क्या उसके ऊपर,
हम जो सर्वर बना रहे हैं उस पर होगा क्या, तो उसका भी जवाब थोड़ी देर में पता चलेगा। अच्छा अभी तो हम ये समझ लें कि क्लाउड और जो, अच्छा तो क्लाउड क्या होता है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको इंटरनेट से कनेक्ट किया हुआ है, उसको पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो गूगल क्लाउड के नाम से एक पूरा प्लेटफॉर्म है, AWS का क्लाउड है, अलीबाबा का क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर का क्लाउड है। ये सब लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर किराए पे देते हैं असल में, और कहते हैं चलाओ यार जो चलाना है, और जितने कंप्यूटर चाहिए ले लो, पैसे देते रहो हमें, और वो पैसे बहुत ही मुनासिब हैं, वो पैसे बहुत ही मुनासिब हैं। अच्छा ऑन अदर हैंड अगर मैं ऑन प्रेमिसेस की बात करूँ तो ये लेस पॉपुलर होने की वजह मेन यही है कि ये महंगा बहुत है। अच्छा महंगा क्यों है भाई, कि अगर आप एक कंप्यूटर ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, आपको लगता है कि जी मेरी जो वेबसाइट होगी ना उस पर 100,000 यूज़र आएगा, ये एस्टिमेटेड टारगेटेड ऑडियंस है आपकी। मार्केटिंग वाले आपको बताते हैं कि जी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना एक्सपेक्टेड है यूज़र आपका। अब मुझे 100,000 यूज़र हैंडल करने वाला एक मशीन चाहिए जो 100,000 यूज़र्स को हैंडल कर सके। अच्छा तो मैं एक एजम्पशन लेता हूँ कि मेरे पास मिसाल के तौर पर 40 कोर का प्रोसेसर मुझे चाहिए और 500 GB रैम चाहिए मुझे। तो अब 500 GB रैम और 40 कोर का जो प्रोसेसर है, अब ये मशीन मुझे मिलेगी कम से कम शायद $20,000 की मिलेगी, ये पाकिस्तानी अगर हम लगा लें तो शायद हमें 20,000 कितने बने पाकिस्तानी, 3 × 3 = 6, हाँ 60 लाख बने, सही है। तो 60-70 लाख तक मुझे ये शायद पड़ जाएगा। तो अब ये मैंने लगा लिया, अब ये लगाने को तो मैंने लगा लिया, अब क्या होता है कि आम तौर पे कंप्यूटर होते हैं मॉड्यूलर, मॉड्यूलर बनाने का मेन रीज़न यही होता है कि जी उसमें हार्ड ड्राइव है, अब हार्ड ड्राइव उसकी ख़राब होगी, हार्ड ड्राइव को रिप्लेस करना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हार्ड ड्राइव लग गए ज़िंदगी भर चल रही है, ये तो कभी भी नहीं होगा। अब जो रैम जो है 500 GB जो है वो भी ज़ाहिर है मॉड्यूलर होती है, उसमें भी मतलब शायद 80-80 GB की रैम लगी होगी, 5, 6, 7, 8 पता नहीं, तो वो पूरा 500 GB उसको किया होगा, तो अब वो रैम भी कभी ख़राब होगी। अच्छा फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भाई अगर 40 कोर का प्रोसेसर है उसका, तो उसको कम से कम 1000 वाट तो चाहिए ना, उससे कम पे तो नहीं चलेगा वो। तो 1000 वाट का मतलब है कि आप समझ लें हर घंटे पे एक यूनिट गिराएगा वो, कमर्शियल यूनिट इस वक्त 50-60 का चल रहा है हमारे यहाँ, है 72 का चल रहा है, अब देखो तो 72 का कमर्शियल यूनिट है, तो वो 24/7 चलेगा, तो रोज़ 24 यूनिट गिराएगा वो, 24 यूनिट मल्टीप्लाई मार लो। अच्छा फिर क्योंकि वो भाई मशीन आपके पास घर पे रखी हुई है, तो उसको मेंटेनेंस के लिए ना आपको ज़ाहिर है ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, जब उसकी हेल्थ को मॉनिटर करना है तो आपको एक बंदा चाहिए उसके लिए। अब एक बंदा आप लोगे तो भाई हमारे यहाँ के डायनेमिक्स के हिसाब से 25,000 तो मिनिमम सैलरी है जो झाड़ू लगाने वाले को मिल रही है, 25,000 साल महीने की जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो झाड़ू लगाने वाला बंदा है उसकी मिनिमम हो चुकी है अभी, ठीक है, उससे कम आप दे नहीं सकते किसी को। अच्छा थोड़ा बहुत टेक्निकल बंदा जो है वो 1,00,000 रुपये तो लेगा महीने के, जिसको भाई वो ऑन प्रेमिसेस सर्वर है उसको वो संभाल सके, डिपेंडेबल बंदा हो, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ना उसको कि ऑन प्रेमिसेस सर्वर चलता कैसे, क्या गड़बड़ होती है उसमें, तो 1,00,000 रुपये महीना तो वो लेगा। तो ये 1,00,000 रुपये ये हो गए, 1,00,000 रुपये बिजली का बिल हो गया, तो 2,00,000 तो हो गए महीने के यहाँ पर। अच्छा और फिर जो उसमें आपके जो चीज़ें ख़राब होंगी, वेयर टेयर आएगा, वो अलग है। अच्छा वंस आप मिसाल के तौर पे वो वेबसाइट आपने 6 महीने चलाई, साल चलाई, अब आपका बिज़नेस समहाउ अगर नहीं चला किसी भी वजह से, तो अब वो हार्डवेयर आपके लिए हो गया बेकार, जो $20,000 का आपने ख़रीदा था ना वो अभी $5,000 का बेचना भी मुश्किल है उसको, ठीक है, क्योंकि वो पुराने चले हुए सर्वर कोई भी नहीं ख़रीदता, क्योंकि ये डिपेंडेबल मशीनें चाहिए होती हैं लोगों को इसमें, तो वो डिपेंडेबल होने की वजह से ना लोग नए की तरफ जाते हैं, तो या तो कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन या कोई छोटी कंपनी शायद आपसे वो ख़रीद ले, तो मतलब उसकी टेंडेंसी लेकिन बहुत कम है, तो वो आपका पूरे पैसे ज़ाया हो जाते हैं काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा फिर आपको इंटरनेट के कनेक्शन के पैसे तो मैंने जोड़े ही नहीं अभी, इंटरनेट का कनेक्शन आपको हमारे यहाँ तो 500 MB से ऊपर का कनेक्शन नहीं है, एक तो ये सब में बड़ा मसला है, 500 MB से ऊपर का कनेक्शन रेयर है, सिर्फ डिफेंस वगैरह इधर उधर मिल जाता है, बाकी हमारे यहाँ नहीं मिलता। तो आप क्या करेंगे, 500 MB के शायद 5-6 कनेक्शन लेंगे आप, क्योंकि भाई जब ट्रैफिक आपके पास आएगा तो आपको लेटेंसी तो नहीं चाहिए ना, ये तो नहीं हो गया जी बीच में फंस गया वो इंटरनेट स्लो डाउन हो गया आपका, क्योंकि आप इमेजिन करें 100,000 बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर एक रिक्वेस्ट आई ना और उसको आपने 1 MB का डेटा भेजना है रिस्पांस में, तो मल्टीप्लाई करो 1,00,000 MB का डेटा भेजना है आपने, तो 100,000 रिक्वेस्ट अगर साइमल्टेनियस आ गई आपको तो 1,00,000 MB का रिस्पॉन्स भेजना है। अब 1,00,000 MB कितने बने हैं,
8 GB बने, बड़ा तेज़ कैलकुलेट किया उन्होंने, तो 8.25 GB का रिस्पॉन्स आपने भेजना है, ठीक है। अच्छा, वो जितना आपका स्लो इंटरनेट होगा उतना स्लो जाएगा वो रिस्पॉन्स, तो आपको इंटरनेट भी थोड़ा मतलब इतना तो रखना पड़ेगा कि 8.25 GB ना 1 सेकंड में चला जाए। 8.25 GB 1 सेकंड में भेजने के लिए आपको कितने GBPS चाहिए? 8 को मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना बना? 64 GBPS का इंटरनेट चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पे तो हमारे यहाँ शायद इतना अवेलेबल भी ना हो, लेकिन ये है कि 64 GBPS नहीं तो कम से कम 5-6 GBPS का तो हो, जो वायर कनेक्शन में इतना अवेलेबल है पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी ये सर्वर वगैरह लगाते हैं ना लोग, तो वायर्ड कनेक्शन में 5-6 GBPS का तो आमतौर से अवेलेबल है, मिल जाता है। हाँ, लेकिन भाई उसका पैसा होगा, असल बात एक्सपेंस की है कि भाई एक्सपेंस देखो अब कितना बढ़ता जा रहा है। तो ऑन प्रीमिसेस लगाने का ना सब में बड़ा मसला ये है कि जी एक्सपेंस बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ऑन प्रीमिसेस कुछ केसेस में थोड़ा सा बेनिफिशियल भी रहता है। मिसाल के तौर पे आपने कोई बिल्कुल ही छोटा सर्वर लगाना है, रसबरी पाई पे लगाना है आपने, कि जी शायद कोई महीने में आपके पास 1000 यूज़र आएंगे, है ना, क्योंकि रसबरी पाई जो होता है वो एट अ टाइम 2 से 3 रिक्वेस्ट तो आराम से हैंडल कर लेता है, और अगर आपके पास 20-25 MB का इंटरनेट लगा हुआ है तो 2-4 रिक्वेस्ट हैं तो आराम से वो हैंडल करता है पर यानी एट अ टाइम। तो अगर आपके पास दिन में कितने 8000 मिनट होते हैं, 8500 मिनट होते हैं ना दिन में, कितने मिनट होते हैं, 8500 सेकंड होते हैं, सॉरी मिनट क्यों, सेकंड, हर सेकंड अगर वो 2-4 रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है तो कितने सेकंड होते हैं भाई, सेकंड इन, बल्कि मंथ लिख लेते हैं ना हम डायरेक्ट, सेकंड इन मंथ, तो महीने के इतने यूज़र तो वो भी हैंडल कर सकता है। अब इसको तो एक्सपोनेंशियल में लिख दिया इसने, इतने सेकंड बनते हैं, कितने बन गई है, 26 लाख। तो अगर टोटल रिक्वेस्ट, क्योंकि देखो 1 लाख यूज़र अगर आ रहा है ना डेली, तो वो तो मतलब एक यूज़र जब एक वेबसाइट खोलता है और टकाटक टकाटक बटन पे क्लिक मारता है, 400-500 रिक्वेस्ट कब पूरी होती है पता भी नहीं चलता। तो ये 1 लाख यूज़र की बात नहीं, और ये टोटल रिक्वेस्ट मेरे पास 26 लाख होगी ना जब, ठीक है यार, इसको मैं डे पे ही निकालता हूँ, डे से ही इसको कैलकुलेट, क्या चक्कर है ये एक्सपोनेंट में क्यों बता रहा है यार, ओ ये उल्टा हुआ है ना, सेकंड्स इसको मुझे करना है डे यहाँ पे, और इसको मुझे करना है, हाँ तो 86,000 हुए ना, अब इसको मैं 30 डे करता हूँ सीधा सीधा, क्या चक्कर है यार ये। ठीक है, कितने बने यार ये, 2.5 लाख रिक्वेस्ट बनी है, 25 लाख बनी, यस 25 लाख रिक्वेस्ट बनी है। तो 25 लाख अगर टोटल रिक्वेस्ट है ना आपके पूरे महीने की, टोटल रिक्वेस्ट है अगर, तो आप रसबरी पाई पे भी उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपके पास ऑन प्रीमिसेस सर्वर भी काफ़ी काम का रहता है। लेकिन क्या होता है जी कि आपका ये रिक्वेस्ट जो है ना 25 लाख रिक्वेस्ट पर मंथ पूरा, तो इसमें ये होगा कि जी आपका डेली ना अगर मतलब डेली आपका शायद 10-12 यूज़र आ रहा है, ये 10-12 यूज़र या 20-25 यूज़र होगा तो डेली पे फिर महीने पे जाके इतनी रिक्वेस्ट बनेगी टोटल। अच्छा, फिर अगर आपका कोई ऐसा काम है जिस पे भाई अगर एक साथ अगर 400-500 यूज़र आ जाएं तो आपका सिस्टम हैंग भी हो जाए तो चल जाएगा, अगर आपका सिस्टम हैंग भी हो जाए तो भी चल जाएगा। बहुत सारी वेबसाइट ऐसी होती है मतलब टॉरेंट वॉरेंट की वेबसाइट अक्सर डाउन पड़ी होती है, कोई मतलब यूज़र ज़्यादा आ जाता है वो डाउन हो जाती है, फिर वो गोल गोल लोडिंग होती रहती है, एक एक पेज 2-2, 5-5 सेकंड में लोड होता है, ठीक है 10 सेकंड 15 सेकंड भी लगा देता है लोड होने में। मतलब क्या होता है कि मशीन पे लोड ज़्यादा है, देर से रिस्पांस कर पा रही है मशीन, जो ऑलरेडी आई हुई रिक्वेस्ट है उसको ये वो प्रोसेस करने में लगा हुआ है। तो अगर तो आपका कोई ऐसा सिस्टम है ना जिसमें अगर भाई लेट वेट हो जो भी हो कुछ मसला नहीं है, तो मतलब कस्टमर एक्विजिशन का कोई चक्कर नहीं है, तो फिर तो भाई आप रसबरी पाई पे भी लगा सकते हैं, तो वो सबसे सही पड़ जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। लेकिन स्टिल रसबरी पाई पे जो सर्वर आप लगाते हैं, रसबरी पाई इस वक्त पता नहीं 15,000 का है शायद पाकिस्तानी, हाँ $50 का है वैसे तो, $50 कितने बन गया, $50 बन गया, 15,000 हाँ 15,000 बने जाहिर है, क्योंकि शिपमेंट विपमेंट करके 18-19 का तो बन ही जाएगा वो, हाँ क्योंकि वो जाहिर है जो लेकर आ रहा है शिपमेंट वहाँ से तो वो भी तो कुछ रखेगा ना अपने, यहाँ तो बन नहीं रहा हमारे पास, हम अगर रसबरी पाई बना रहे होते तो फिर तो क्या ही बात होती, तो हम तो बना नहीं रहे, हम बना रहे सिर्फ उल्लू हैं,
आर्डिनो, हाँ नहीं आर्डिनो की प्रोसेसिंग पावर भी तो कम है ना, रसबरी पाई की तो फिर भी मेरे ख्याल है रसबरी पाई में कितने क्वाड कोर है, 4 कोर प्रोसेसर है ना, हाँ 4 कोर प्रोसेसर है, आर्डिनो में थोड़ी है इतना, आर्डिनो तो चुनना सा है, वो तो माइक्रो कंट्रोलर है असल में आर्डिनो तो वेल वो भी 18,000 का भाई डिवाइस है, 18,000 के डिवाइस है, फिर 25 MB का इंटरनेट लगाओगे तो वो कम से कम 2,000 का इंटरनेट तो है, तो 2,000 महीने के वो हो गए, क्या कहते हैं ये 18,000 20,000 अलग हो गए, तो ये आपके एक्सपेंस रसबरी पाई पे लगाने में भी अच्छा खासा है, लेकिन ये कि आप एक बार लगा देते हैं तो उसको इतनी मेंटेनेंस शायद नहीं चाहिए होती, बस वो लगा हुआ है वो चल रहा है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ है बिल्कुल ही तो आप लगा सकते हैं। अच्छा ऑन अदर एंड क्या होता है कि इतना बड़ा सर्वर जो आपने रसबरी पाई पे लगाया ना, ये 25 लाख रिक्वेस्ट वाला, 25 लाख वाला रिक्वेस्ट गूगल कहता है आप फ्री में लगाओ, गूगल ऊपर से आता है, गूगल बड़ी कंपनी है, गूगल बोलता है यार रसबरी पाई नहीं लगाओ छोड़ो हमारे पास, फ्री में डिप्लॉय करो, ठीक है, अब वो कहता है जस्ट आप कार्ड वर्ड अपना लगा दो, अपनी आप जो क्या बोलते हैं उसको KYC करवा दो हमारी, कि आप रियल यूज़र हो, आप कार्ड लगा दो, आपको हम देंगे $300 का क्रेडिट, क्रेडिट फ्री क्रेडिट, कह रहा $300 आप यूज़ करो, $300 में अगर ये छोटा सर्वर लगा हुआ है ना, रोज़ के आपके अगर आते हैं 10-12 यूज़र आते हैं, टोटल महीने की 25 लाख रिक्वेस्ट आती है, तो वो पूरे साल में भी ख़त्म नहीं होगा, $300 इतना अच्छा खासा होता है $300 का क्रेडिट, क्योंकि चीप है, क्लाउड इज़ वेरी चीप, क्लाउड इस वजह से चीप है, उन्होंने एक बंदे का थोड़ी किया हुआ है, वो एक ही मशीन पे उन्होंने 10,000 लोगों की यानी सॉफ्टवेयर को ना उधर चढ़ाया होता है और वो चल रहा होता है सारा एक साथ, क्योंकि उनकी मशीनें पावरफुल हैं, उनका सिस्टम रोबस्ट है, उन्होंने ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम लगाया हुआ है, उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं इसको हैंडल करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो मिसाल के तौर पर रैम प्रोसेसर ये हार्ड ड्राइवें ख़राब होती हैं तो डायरेक्ट कंपनी से ऑर्डर दे के बनवाते हैं, गूगल के पास जो हार्ड ड्राइव चल रही है वो गूगल ये थोड़ी होगा कि जा रहा है टेक्नो सिटी में कि यार मुझे वो हार्ड ड्राइव दे दो, वो तो कंपनी को ऑर्डर देता है भाई कि मुझे भाई 5 लाख हार्ड ड्राइव चाहिए ये स्पेसिफिकेशन के साथ देता है भाई, सैमसंग बना के दे रहा है उनको M2 की हार्ड ड्राइव, अगर उनको कोई रैम चाहिए अच्छे बैंडविड्थ वाली तो वो डायरेक्ट TMC को मैसेज मारेंगे कि भाई हमें ये स्पेसिफिकेशन की रैम चाहिए, 1 लाख पीस चाहिए, बताओ कितने में दोगे, बना के देंगे वो, तो मतलब उनका मामला काफ़ी अलग है, वो इस धंधे में आप अकेले के लिए करोगे आपको महंगा पड़ेगा, वो इतने सारे के लिए करते हैं, वो बोलते हैं भाई इतना तो फ्री में दे रहे हैं, रसबरी पाई पे जो आप घर पे लगाओगे उतना फ्री में दो हमसे आप, तो लोग अल्टीमेटली होता ये है कि ये जो ऑन प्रीमिसेस सिस्टम है ना इससे लोग बहुत दूर भाग जाते हैं। अच्छा तो इस वक्त जो सारी की सारी डिमांड मार्केट में लाया कर रही है ना, ख़ास तौर पर स्टार्टअप्स के लिए छोटे बिजनेसेस के लिए, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, ये दौर क्लाउड कंप्यूटिंग का है, ऑन प्रीमिसेस वाला। अच्छा अब ऑन प्रीमिसेस का एक यूज़ केस है आखिरी जिसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, अच्छा वो क्या है जी, सिक्योरिटी, जो बैंक्स हैं, जो फेडरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे जो हैं हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि जी उनका जो डेटा है ना, उनके सर्वर पे जो डेटा जो जा रहा है और आ रहा है वो ऑन प्रेमिसेस हो और वो डेटा कहीं बाहर ना हो सेफ। आप इमेजिन करें कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री का डेटा जो है वो गूगल के सर्वर पे पड़ा हुआ हो, तो गूगल तो अमेरिका की कंपनी है, तो क्या आपको लगता है कि अगर कभी इनकी बात ख़राब होगी तो गूगल उनको देगा नहीं वो डेटा? नाइन अच्छा गूगल ने और इन जितनी अमेरिकन कंपनीज हैं इन्होंने टर्म कंडीशन में लिखा होता है कि भाई 911 जब भी हमसे डेटा मांगेगा हम देंगे, ठीक है, सिवाय एप्पल के, वो भी अड़ी करता था, फिर एक दिन उनके साथ भी सीन कर दिया इन्होंने, कोई बंदा पकड़ा था इन्होंने, उसके पास आईफोन था, उसमें वो iCloud लॉक लगा हुआ था, तो वो पता नहीं फ़ोन मिला था शायद या बंदा मर गया था, किस तरह वो सीन हुआ था, उन्होंने फ़ोन में से डेटा निकालना था, अभी अड़ गए कि नहीं हम तो नहीं देंगे, तो उन्होंने फिर हैकर्स वैकर्स बिठाए अपने, CIA ने पता नहीं अपने FBI ने किसने, तो हैकर वैकर बिठाया उसको हैक कर लिया, जो फ़ोन जाहिर है डिवाइस ऑन प्रीमिसेस हो तो उसको हैक करना मुश्किल नहीं है, वो लगाया वगैया हैक कर लिया, डेटा रिकवर कर लिया, तो मतलब अब कर लो जो करना है, वो तो नहीं हो सकता ना, तो अमेरिकन कंपनी के लिए ये ज़रूरी है ये बात कि वो क्या करे, गवर्नमेंट जब मांगेगी तो वो देगा। अच्छा इसी तरह इंडियन कंपनी भी, इंडिया में अगर कोई क्लाउड लगा हुआ है, कोई सर्वर लगा हुआ है, तो जब भाई वहाँ की गवर्नमेंट बोलेगी ना कि सर्वर पे जितना डेटा है ना उसकी एक कॉपी हमें चाहिए, तो वो कंपनी मना नहीं कर सकती, वरना वो बंद हो जाएगी, आपको पता है लॉ इन्फोर्समेंट के आगे तो नहीं चलती ना, गवर्नमेंट के आगे किसकी चलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी चलो बोड़िया बिस्तर समेटो निकलो यहाँ से, हमारे साथ नहीं ताउन करोगे तो निकलो, तो ये वजह है कि जी आपके जो जितने भी सेंसिटिव इदारे हैं वो अपना डेटा, जो बैंक्स खास तौर पे, वो चाहते हैं यार हमारा डेटा हमारे पास रहे, बैंक्स वालों को ये होता है कि जी वो कोई हमसे आगे ना निकल जाए कॉम्पिटिशन, क्योंकि जाहिर है बैंक के अंदर जिन लोगों के अकाउंट्स हैं वो पैसे वाले लोग होते हैं, अब अगर बंदा पता चल गया कि यार फला गफूर साहब जो है ना उनका अकाउंट यहाँ पे इतने करोड़ का अकाउंट है, फला फला सदर की ब्रांच में इतने करोड़ का उन्होंने जमा कराया है,
तो फिर उसको घेरना आसान हो जाएगा ना। कोई दूसरा बंदा घेरेगा, कहेगा यार वो आपको चेकबुक के पैसे लेते हैं आपसे, यार आपने इतने करोड़ रखे हुए, आपसे चेकबुक के 250 रुपये वो चार्ज करते हैं, शर्म नहीं आई उनको। तो वो बस घेरेगा, कहेगा यार हम सारी ज़िंदगी के चेकबुक फ्री हैं आपके, मेरी तरफ से पैकेज है। ब्रांच मैनेजर तो यही हरकतें करता है। वो कहेगा सर आप जब जाते हैं आपको पेप्सी पिलाते हैं, आपको तो पेप्सी बड़ी पसंद है। कहेंगे यार आपका इतना बड़ा अकाउंट है, पेप्सी नहीं पूछते आपको, वो यार लाना था यार सर, इतना बड़ा अकाउंट हमारे पास हो हम तो आपको खाना खिलाएंगे बैठा के। घेर लेगा उसको। तो बैंकों को तो ज़्यादातर मेन ये मसला होता है मेन कि अच्छा फिर वो बैंक कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्ट्रेटजी, सारा वो सारे डेटा बेस में डेटा स्टोर होता है। तो वो ऑन प्रीमिसेस का ना ये एक यूज़ केस है वाहिद, जिसकी वजह से ये अभी तक बाकी है। लेकिन आमतौर पर स्टार्टअप्स, छोटी कंपनीज जिसमें आपने जाना है अभी, वो ऑन प्रीमिसेस को कोई उसका वो नहीं है, वो सारे साहब क्लाउड के ऊपर चलता है। क्या चीज़ नहीं, फिर डिपेंड करता है ना कितना बड़ा मामला है। अगर आपकी कंपनी है आइसक्रीम बेचती है, वो उसका डेटा गूगल क्लाउड में सेव है, अब अमेरिका की गवर्नमेंट को उस डेटा में क्या इंटरेस्ट होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। वो एक मीम है ना, या फेसबुक में होगा ना कि भाई डेटा ब्रीच हो गया फेसबुक में, बंदे बड़े परेशान वाले, डेटा ब्रीच हो गया भाई, बिक गया डेटा हमारा सबका। तो बंदा उठता है बोलता है भाई मेरा डेटा बिक गया, तो कहता है कि भाई माई डेटा इज़ एज यूजलेस एज आई एम, खत्म कर लो जो करना है, मेरा डेटा मेरे से ही ले लेते, उधर से इतनी मेहनत क्यों की। $50 में सर्वे फिल करा लेते हैं, हम सब लिख देते हैं अपने बारे में, $50 लेते हैं। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, एक सर्टेन लेवल की जब सेंसिटिविटी होती है ना, तो फिर ये स्टैंड लिया जाता है। अदरवाइज तो जितने भी स्टार्टअप है ना हमारे, या बाइकिया से लेके और ये सब उधर ही करते हैं, गूगल क्लाउड पे करते हैं। अभी जो आपका मेटा, जो फेसबुक जो मेटा अभी निकाला है उसने पूरा, तो उसमें AWS को उसने क्लाउड पार्टनर बनाया है कि जी अगर फेसबुक के पास स्टोरेज ख़त्म हो गई या कंप्यूटिंग पावर कम पड़ गई तो AWS पे करेगा वो, ठीक है। ये जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखेंगे ना, ये सब बिहाइंड द सीन AWS के ऊपर चल रही होती हैं, ठीक है। गूगल खुद AWS के साथ पार्टनर है कि जी हमारा कम होगा तो हम आपसे कंप्यूटर लेंगे उधार। होता है ना कभी ज़्यादा ट्रैफिक आ गई, ज़्यादा लोग अपने एप्लीकेशन होस्ट कराने आ गए, तो ज़ाहिर है कम तो पड़ेगा। तो ये आपस में भी पार्टनर होते हैं कि इधर उधर करते रहते हैं, ठीक है। जो 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 बड़ी कंपनीज है ना इस वक्त, आप बड़ी कंपनीज़ का आप जैसे नाम लें फूड पांडा है, या जैसे आप कह लें दराज है, जैसे दराज तो खैर अली बाबा पे होगा क्योंकि वो चाइना वाले हैं। हाँ अमेज़ॉन जो वो AWS उसका अपना है क्योंकि, तो वो अमेज़ॉन के ऊपर है, ठीक है। इस तरह जो बड़े बड़े जो न्यूज़ वगैरह के जो ये सारे हैं आप देखें, ये सारा उधर ही होता है गूगल क्लाउड के ऊपर। हाँ VPS भी एक क्लाउड की तरह कंप्यूटर होता है, बहरहाल अभी वो टॉपिक नहीं है तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अच्छा जी, तो हमने ये फ़र्क समझ लिया कि जी इस सर्वर को जो मैं अभी अपने लैपटॉप में चला रहा हूँ, मैं इसको हमेशा अपने लैपटॉप में नहीं चलाऊँगा, इसको मैं या तो ऑन प्रेमिसेस कोई सर्वर मशीन खरीदूंगा, उस पर डालूंगा इसको, जो 24/7 ऑन रहेगी, इंटरनेट कनेक्शन भी रहेगा, सब कुछ ओके रहेगा उसका, या तो मैं किसी उसको क्लाउड कंप्यूटर पे भेजूंगा और उसके मैं पैसे पे करूंगा क्लाउड पे रखवाने के उसको। अच्छा क्लाउड पे रखवाने के पैसे जो वो इंतहाई कम है, जो आपको मिसाल के तौर पर $20-25 पर मंथ के अंदर ना आपको इतना अच्छा कंप्यूटर मिल जाता है कि वो आपके जो है ना तकरीबन 40-50,000 यूज़र तक संभाल लेता है। फ्री में आपको इतना बड़ा मशीन मिल जाती है गूगल क्लाउड से और साइक्लिक से और railway.app से, और आपका वर्सल भी अब कर रहा है, ये सारे फ्री वाले भी मौजूद हैं। गूगल इटसेल्फ आपको $300 देता है। तो इसके ऊपर फ्री में आपको इतनी बड़ी ऐप आप होस्ट कर सकते हैं कि जी 4-5,000 यूज़र जो है ना डेली के वो आराम से संभाल लेता है, ठीक है। अच्छा अब हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है कि आज हम इसको क्लाउड पे ज़रा भेज के ना होस्ट करा के और ख़त्म करते हैं आज की क्लास, ठीक है। अभी तो ये मैंने अपने कंप्यूटर में आपको चला के दिखा दिया, अब इसको हम भेजते हैं कहाँ पे, क्लाउड में भेजते हैं। अच्छा क्लाउड में भेजने के लिए ना मुझे छोटा सा एक काम करना पड़ेगा, वो काम देखो क्या। अच्छा इसका लाइन बाई लाइन कोड भी तो नहीं समझा हमने, हाँ लाइन बाई लाइन कोड इसका समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम करते हैं क्लाउड पे होस्ट। अच्छा सबसे पहले तो आप देखो यार, नॉड मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर है ना, ये जो मैंने npm से एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया ना वो इस नॉड मॉड्यूल के अंदर आगे स्टोर हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एक गिट इग्नोर की फाइल बनाऊँगा, डॉट नहीं इस फोल्डर के अंदर बनाऊँगा मैं, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा जी नॉड_मॉड्यूल्स,
ठीक है, क्योंकि ये फाइल मैंने गिट पर नहीं भेजनी है। अब क्यों नहीं भेजनी वो अभी हम देखते हैं कि क्यों नहीं भेजनी हमने वो, सही है, ये हमने गिटहब में नहीं भेजनी फाइल। अच्छा अगली फाइल पे आ जाते हैं जी हम, जो मेरा पैकेज डॉट जेसन है। आप यहाँ पे नोट करें कि जब मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया ना, तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसीज ऑटोमेटिकली बन के आप अपेयर हो गई है, और इसमें एक्सप्रेस और उसका कौन सा वर्जन इस वक्त इंस्टॉल है वो यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा अब ये क्या होगा, जब भी मैं ये पैकेज, ये मेरा पूरा जो फोल्डर है ना ये पैकेज कहलाता है, ठीक है, नॉट जे एस के ऊपर बनी हुई जो ऐप है वो पैकेज कहलाती है। तो मैं ये मेरा पूरा फोल्डर जब मैं किसी को भेजूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं नॉर्ड का पैकेज भेज रहा हूँ। तो जब मैं ये नॉर्ड का पैकेज भेजूंगा तो मैं नॉर्ड मॉड्यूल की या ये फोल्डर है ना ये नहीं भेजूंगा साथ, क्योंकि ये होता है हैवी, बहुत साइज़ में बड़ा होता है ये, तो ये मैं अपने पास रखूंगा। मैं बाकी की जो चीज़ें हैं ना वो भेजूंगा, जिसमें ये पैकेज डॉट जेसन भी चला जाएगा साथ साथ। अच्छा जब उसके पास पहुंचेगा ना वो, तो वो यहाँ डिपेंडेंसीज में आके देखेगा कि जी कौन कौन सी लाइब्रेरी इसमें इंस्टॉल होती है, और वो लाइब्रेरी वो भी इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, उसका शॉर्टकट तरीका क्या है कि वो आके यहाँ पे लिखेगा npm install, और पहले हमने क्या किया था एक्सप्रेस, npm install express, वो एक्सप्रेस नहीं लिखेगा, वो जस्ट npm install लिखेगा और एंटर करेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि ये पैकेज डॉट जेसन में ये डिपेंडेंसीज को ये देखकर ना ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा। ये क्या हुआ, इसको सूडो नहीं मिला ना, हाँ ये ई एक्सेस का इशू आता है ना, सूडो नहीं मिला इसको, सूडो npm install ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इससे वो क्या करेगा, यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज होंगी उसको देखेगा और ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा, और ये नॉड मॉड्यूल का फोल्डर अगेन बना आ जाएगा। मैं आपको दोबारा ये करके दिखाता हूँ, इस नॉड मॉड्यूल के फोल्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस नॉड मॉड्यूल के फोल्डर को मैं डिलीट करूँगा। अरे क्या हो गया भाई, एक मिनट, फाइंडर से जाके डिलीट कर देते हैं। सही है, ये मैंने नॉड मॉड्यूल का फोल्डर क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब इसको फोल्डर को वापस लाने के लिए मैं क्या करूँगा, पैकेज डॉट जेसन में ये लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जस्ट npm install, और आगे मैंने कोई बात नहीं लिखी। जब आगे मैं कोई बात नहीं लिखता हूँ तो ये क्या ढूंढता है, ये पैकेज डॉट जेसन की फाइल ढूंढता है, और एंटर करते ही ये पैक, अरे यार सूडो नहीं लिखा मैंने इसके साथ। सही है, दोबारा से देखो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर इसने बना दिया। तो नॉट मॉड्यूल का फोल्डर मैं कभी भी क्लाउड पे जब भेजूंगा इसको, या किसी में दूसरे डेवलपर को भेजूंगा, नॉट मॉड्यूल का फोल्डर मैं कभी भी नहीं भेजूंगा। अगर इवन ये कि क्लाउड पे मैं अगर गलती से नॉट मॉड्यूल भेज देता हूँ ना, वो मना कर देता है, चलाने से मना कर देता है, बोलता है यार इसको हटाओ, क्योंकि वो साइज़ में बड़ा होता है और रिसोर्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है उनकी। तो किसी भी क्लाउड में मुझे नॉट मॉड्यूल भेजना नहीं होता है। जहाँ पे भी ये पैकेज जाता है वो क्या करता है, npm install चलाता है पहले, फिर npm start चलाता है। अब npm start अगर आपने नहीं बनाया होगा तो भी ये सर्वर क्लाउड पे जाके चलने से मना कर देगा, बोलेगा भाई npm start बनाओ। स्टार्ट कैसे होता है वो हम, हाँ npm install के लिए ना npm i भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट है, इंस्टॉल पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, i भी लिख सकते हैं। सही कह रहे हो। अच्छा तो ये दो काम हो गया, गेट इग्नोर सब लोगों को पता है। अच्छा पैकेज का जो लॉक है ना, ये क्या चीज़ है, असल में क्या होता है जब हम मल्टीपल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं, अभी तो हमने सिर्फ एक की है एक्सप्रेस, जब हम मल्टीपल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करते हैं तो कुछ लाइब्रेरीज के कुछ वर्जन किसी दूसरे लाइब्रेरी के कुछ वर्जन के साथ कॉम्पैटिबल नहीं होती, तो ये उन चीज़ों का ख्याल रखता है। तो इस लॉक फाइल को कभी भी अपने हाथ से चेंज नहीं करना है, कभी भी आपने इसको हाथ से चेंज नहीं करना, ये npm खुद इसको देख रहा होता है, आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अब हम आ जाते हैं सर्वर के एक्चुअल फाइल के अंदर, और इसका कोड ज़रा समझते हैं कि यहाँ पे क्या कोड लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो ये कंसोल हटा देता हूँ, ये मैंने वैसे ही लिख दिया था। सबसे पहले तो मैंने इम्पोर्ट किया एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, मैंने कहा एक्सप्रेस की लाइब्रेरी से वो पूरी की पूरी लाइब्रेरी आप उठा के ले आओ। उसके बाद मैंने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, इनिशियलाइज़ करके ना ये ऐप जो है ना मेरा, ये ऐप अब पूरा का पूरा सर्वर है, जो सॉफ्टवेयर की बात हो रही थी ना, ये ऐप पूरा का पूरा सर्वर है। अच्छा फिर मैंने ये पोर्ट सेलेक्ट किया। अच्छा ये पोर्ट क्या चीज़ है, जैसे एयरपोर्ट होता है, जैसे सी पोर्ट होता है, होता है ना, किस ये पोर्ट किस चीज़ को कहते हैं, कौन बताएगा मुझे। हाँ चार्जिंग भी पोर्ट होता है, बताओ बताओ, पावर सप्लाई, लेकिन एयरपोर्ट पर तो पावर सप्लाई नहीं होती, फिर उसको डेटा, हाँ भाई, हाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, वो भी पोर्ट ही है असल में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, बहुत अच्छी बात की है इसने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन वो बात
कोई भी नहीं कर रहा अभी तक जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। जहाँ से चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अच्छा देखो, किसी भी जगह से बाहर निकलने का या अंदर आने का जो रास्ता होता है ना, उसको हम कहते हैं पोर्ट। सही है। किसी जैसे शहर से बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसको हम कहते हैं एयरपोर्ट या हाँ इम। अब देखो एक्सपोर्ट का क्या मतलब है, जैसे कराची से कोई चीज़ मैं बाहर भेज रहा हूँ, किसी दूसरे सिटी भेज रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, यानी कि पोर्ट से एग्जिट हो गया। ई एक्स स्टैंड फॉर एग्जिट और पोर्ट, ये पोर्ट से एग्जिट हो गया, ये बाहर चला गया, एक्सपोर्ट हो गया ये। इम्पोर्ट का मतलब है कि वो इन हो गया पोर्ट में। तो वो जो किसी भी शहर से बाहर निकलने का या अंदर आने का जो रास्ता है, या किसी भी जगह से बाहर निकलने का और अंदर आने का जो रास्ता है, उसको हम कहते हैं पोर्ट है ये। ठीक है। अच्छा जैसे चार्जिंग पोर्ट है, अब चार्जिंग पोर्ट जो होता है ना फ़ोन में, अब ये चार्जिंग पोर्ट क्या होता है, जो मेरा जो पावर है वो फ़ोन के अंदर उससे मैं डाल रहा होता हूँ ना, फ़ोन के अंदर मैं पावर उससे एंटर कर रहा होता हूँ, और फिर उसी चार्जिंग पोर्ट में केबल लगा के मैं डेटा बाहर भी निकालता हूँ उससे, तो आने और जाने का रास्ता है असल में ये। जैसे यूएसबी पोर्ट कहते हैं हम, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी से हम डेटा कंप्यूटर के अंदर जो मौजूद डेटा उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ और बाहर मौजूद डेटा को अंदर भी डाल सकता हूँ, यूएसबी पोर्ट। बंदर को नहीं, वो बंदरगाह को बंदरगाह क्यों कहते हैं ये मुझे नहीं पता, इसमें बंदरगाह हाँ नहीं नहीं मैं वैसे ही एक बात कह रहा हूँ, उर्दू उर्दू में बंदरगाह को बंदरगाह क्यों कहते हैं, उसमें बंदर का क्या रोल है ये मुझे नहीं पता है, अगर किसी को पता है तो बताना। वेल उसको अंग्रेजी में कहते हैं सी पोर्ट, कि समुद्री रास्ता किसी शहर से या किसी मुल्क से बाहर निकलने का समुद्री रास्ता, तो सी पोर्ट है वो। ठीक है। और एयरपोर्ट है तो वो हवाई रास्ता, एयरपोर्ट। ठीक है। रेलवे स्टेशन को भी पोर्ट कहना चाहिए, लेकिन उसको रेलवे पोर्ट नहीं कहते समहाउ ये है भाई लिंग्विस्टिक में ये चक्कर है, किसी को कुछ किसी को कुछ उन्होंने किया हुआ। वेल तो ये आपको बात समझ आ गई कि ये पोर्ट क्या होता है। तो एक मशीन के अंदर यानी कि जो मेरी सर्वर जिसके ऊपर मेरा चल रहा होगा, उस मशीन के अंदर क्योंकि मैंने जो अपना API एक्सपोज किया हुआ है वो किस पे किया हुआ है, HTTP API है, वो ओवर द इंटरनेट उसको एक्सेस किया जाएगा। तो जब उसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी और रिस्पॉन्स जाएगा, तो वो उस मशीन के कौन से दरवाजे से इन होगा और कौन से दरवाजे से आउट होगा, ये वो वाले पोर्ट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, हर मशीन के अंदर 4 डिजिट का कोई भी नंबर लिखे ना, तो एक वर्चुअल पोर्ट, देख तो फिजिकल पोर्ट है ना USB का, दिख रहा है मुझे, एक होता है वर्चुअल पोर्ट जिससे इंटरनेट की ट्रैफिक कंप्यूटर के अंदर आ रही होती है और कंप्यूटर से बाहर जा रही होती है, ये वर्चुअल पोर्ट होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे होते, लेकिन वो सॉफ्टवेयर लेवल पे, वो API लेवल पे ये चीज़ हो रही होती है, जो वो क्या होते हैं वर्चुअल पोर्ट होते हैं जिससे इंटरनेट की ट्रैफिक अंदर बाहर हो रही होती है। अब ये वाली इंटरनेट की ट्रैफिक जो है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 3000। अच्छा, मुझे पता है कि 3000 मेरे कंप्यूटर में अवेलेबल है बाय डिफ़ॉल्ट, इस पर कुछ और चीज़ चल रही नहीं होती, अवेलेबल होता है, या 5000 या 7000 में लिख दिया वो अवेलेबल है। अब जब यही मेरा सॉफ्टवेयर कहाँ जाएगा, उठ के जाएगा किसी क्लाउड कंप्यूटर पे। अब क्लाउड कंप्यूटर के ऊपर क्या होता है कि कोई और भी ऐप चल रही होती है एट द सेम टाइम, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर ये 3000 के नाम का पोर्ट जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है। मतलब 3000 रास्ते हैं उस मशीन से इंटरनेट की रिक्वेस्ट को बाहर निकलने और अंदर जाने के, लेकिन उन दरवाज़ों में से जो मेरी रिक्वेस्ट है वो कौन से दरवाजे से मैं जाएगी, मैं उस दरवाजे को रिजर्व करूँगा अपने लिए। जैसे होता है ना एयरपोर्ट पे एक गेट रिजर्व होता है कि यार इस गेट से सिर्फ प्रेजिडेंट साहब आएंगे मिसाल के तौर पर। ठीक है। वो अपना प्राइवेट जेट या कोई बंदा है तो वो एक गेट उसके लिए फिक्स होता है कि प्राइवेट वालों के लिए ये वाला गेट होता है भाई। तो इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी मशीन में इस वक्त 3000 के पोर्ट को रिजर्व कर रहा हूँ, लेकिन क्लाउड गूगल क्लाउड पे जब मेरा जाएगा ये सॉफ्टवेयर या किसी क्लाउड कंप्यूटिंग पे जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा पोर्ट अवेलेबल है कौन सा अवेलेबल नहीं है मुझे ये बात नहीं पता, तो मैं 3000 नहीं लिख सकता। तो वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार आप क्या करो, आप लिखो एनवायरमेंट वेरिएबल्स है ना, पोर्ट के नाम से एक वेरिएबल बना हुआ होगा वो उठा लो आप। ठीक है। तो ये बात लिखूंगा ना मैं, तो मुझे वहाँ से वो एक नंबर रिटर्न करेगा जो पोर्ट उस मशीन में अवेलेबल है। अच्छा, मेरी मशीन में पोर्ट के नाम से कुछ भी नहीं है, मैंने ये एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया हुआ। एनवायरनमेंट वेरिएबल पता है सब लोगों को,
चलो नहीं पता तो हम डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, वेल तो मेरे मशीन के अंदर भी, हर मशीन के अंदर एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं, तो उसमें मैंने पोर्ट के नाम से कुछ भी सेव नहीं किया, मुझे अनडिफाइन मिलेगा, तो और के बाद लगा के मैंने 3000 में लिख दिया, तो नतीजा क्या होगा कि जब मैं लोकल इसको अपनी मशीन में रन करूँगा तो 3000 पे चलेगा, जब क्लाउड पे जाएगा तो वहाँ पे चलेगा ये, सही है। तो मैंने पोर्ट करके ये दोनों यहाँ पे हैंडल कर लिया, तो मुझे क्लाउड पे भेजने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी, अदरवाइज एज इट इज़ नहीं जाएगा ये, इसमें ये चेंजेस मैंने करनी थी, ये मैंने कर दी। अच्छा, अब ये पोर्ट को ना, इसका जो क्या कह लें कन्वेंशन है कि भाई इसको ना कैपिटल से लिखा जाता है पोर्ट को, ठीक है, इसको कैपिटल से लिखा जाता है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ऐप का हैंडल बन गया मेरा, इसको बल्कि मैं यहाँ से कट करके ना इधर ही ले आता हूँ नीचे। अब देखें जी, ऐप करके मैंने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज किया था और मैंने पोर्ट को अलग कर लिया। अब इस ऐप को ना, ये ऐप ही मेरा सर्वर है असल में, इस ऐप के ऊपर डॉट करके मैंने गेट लगाया कि जी गेट की रिक्वेस्ट आएगी और उसका यूआरएल होगा स्लैश, तो आप ये वाला काम करो। गेट की रिक्वेस्ट आएगी उस पर यूआरएल होगा प्रोफाइल, तो आप ये वाला काम करो, ठीक है। अब ये गेट और पोस्ट, ये चार तरह की रिक्वेस्ट होती है, इंशाल्लाह हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं उसको, अभी फिलहाल हम ये समझ लें इसको कि ये भाई दो तरह के काम ये मेरा सर्वर कर सकता है। अच्छा, ये दोनों जब API मैंने यहाँ पे लिख दी, दोनों API मैंने यहाँ पे जब प्रोग्राम कर दी, उसके बाद मैंने क्या कहा, उसके बाद मैंने कहा ऐप डॉट लिसन और पोर्ट का इसमें नंबर बता दिया, ठीक है। आप इसको इमेजिन करेंगे कि एक एयरपोर्ट का एक दरवाज़ा मैंने रिजर्व कर लिया, मैंने कहा भाई इस दरवाजे से प्रेजिडेंट साहब आएंगे, आप देखते रहो इसको। तो अब मेरा जो ये सॉफ्टवेयर है ना, ये इस दरवाजे पे यूं नज़र रखेगा, यूँ रखा ऐसे नज़र रख के बैठा रहेगा कि यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट आएगी ना, उसको बोलेगा यार मेरे पास आओ आप, और उसको जवाब देने की कोशिश करेगा, अगर जवाब होगा तो जवाब देगा, वरना उसको मना करेगा, बोलेगा भाई ये इस दरवाजे से आप आए हो, यहाँ पे इसका जवाब मौजूद नहीं है, 404, ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया, तो मैंने कहा ऐप डॉट लिसन, पोर्ट का नंबर बता दिया, और पोर्ट का नंबर बताने के बाद इसको एक मैंने कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे पास किया। इस कॉल बैक फंक्शन का काम क्या होता है कि जब ये प्रॉपरली चलना शुरू हो जाएगा सर्वर, तो ये फंक्शन चल जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। इस फंक्शन में मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा यार एग्जाम्पल ऐप, ये एग्जाम्पल सर्वर कह देता हूँ इसको, एग्जाम्पल सर्वर लिसनिंग ऑन पोर्ट, और आगे पोर्ट का नंबर लगा दिया, ठीक है, कैपिटल से इसको करके लिखा है मैंने, कैपिटल कर देता हूँ। अब ये मेरा जो कोड है, ये सर्वर पर जाने के लिए, यानी क्लाउड के किसी कंप्यूटर पर जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। अच्छा, अब इसको क्लाउड के किसी कंप्यूटर पर भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा और किसी एक क्लाउड कंप्यूटर पर साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि गूगल क्लाउड हो सकता है, जो कि क्या हो सकता है आपका जो है वो रेलवे ऐप हो सकता है, साइक्लिक करके एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो फिलहाल शायद हम साइक्लिक पे कर लेते हैं, साइक्लिक .sh करके, ठीक है, साइन इन कर लेता हूँ इसमें मैं। ये तीन ऐप फ्री में अलाउ करता है, और इसको मैंने यार लॉगिन कर लिया, और देखें दो ऐप इसमें पहले से डिप्लॉय हुई भी है मेरी। अब मैं डिप्लॉय नाउ का बटन दबा के ना एक तीसरी ऐप इसमें डिप्लॉय करने लगा हूँ। अच्छा, जब मैं ये तीसरी ऐप डिप्लॉय करता हूँ ना, तो मुझसे ये क्या कहता है, मुझसे ये क्या कहता है कि सर आप मुझे ना ऐप कैसे दोगे आप मुझे, ये मुझसे कहता है कि यार उस ऐप को ना आप भेजो एक रिपोजिटरी में, और उस रिपोजिटरी का मुझे नाम बता दो, मैं बस वहाँ से खुद ही कर लूँगा जो करना है, ठीक है। तो ये कहता है कि जी देखें, जैसे ही मैंने डिप्लॉय का बटन दबाया ना, तो ये स्क्रीन खुली है, और यहाँ पे लिंक योर ओन रिपोजिटरी करके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी सारी रिपोजिटरीज, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो लॉगिन विद गूगल, लॉगिन विद गिटहब करेगा जब ये, तो ये परमिशन आपसे लेता है प्राइवेट रिपोजिटरीज की, तो इस वजह से मेरी सारी रिपोजिटरीज देखें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, जाके ना जो मैंने कोड लिखा है, क्योंकि मेरा कोड तो इस फोल्डर में, इसमें तो पता नहीं क्या कुछ है, तो इसको मुझे एक सेपरेट रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, उसके अंदर इसको मुझे डालना पड़ेगा इस सारे के सारे कोड को। तो आ जाएं जल्दी से, हम एक नई रिपोजिटरी बना लेते हैं। मैंने कहा कि जी हेलो वर्ल्ड सर्वर SMIT बैच 9, ओके, ठीक है, और मैंने इसको पब्लिक ही रखा फिलहाल के लिए, क्योंकि मेरा कोई ऐसा प्राइवेट डेटा इसमें नहीं है, ठीक है। ये एक रिपोजिटरी बन गई, इसको मैं क्लोन करता हूँ अपनी मशीन में। क्लोन करने का क्या तरीका था हमारे पास, हम टर्मिनल खोलते हैं यहाँ से, टर्मिनल खोल के CD डेस्कटॉप पे गया मैं, और डेस्कटॉप पे जाके मैंने कहा कि गिट क्लोन, और वो URL हिट किया, तो ये जी मेरे पास वो रिपोजिटरी क्या हो गई, क्लोन हो गई। अब मैंने CD किया, और CD करके मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, अब मैं हेलो वर्ल्ड मेरा नाम था ना,
तो ये हेलो वर्ल्ड के अंदर गया, कोड स्पेस डॉट, तो मैंने ये जो एम्प्टी रिपोजिटरी अभी अभी मैंने क्लोन की है, उस एम्प्टी रिपोजिटरी को मैंने वी एस कोड में ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो सारा का सारा कोड है, ठीक है, यहाँ पे जो सारा का सारा कोड है मेरा, उसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूँगा, जस्ट लाइक दैट। अब आप नोट कीजिएगा, मैंने इसमें पैकेज डॉट जेसन, सॉरी नॉड मॉड्यूल को मैंने कॉपी नहीं किया, क्योंकि नॉड मॉड्यूल साइज़ में बड़ा होता है, कॉपी पेस्ट होने में भी बहुत टाइम लगाता है, ठीक है। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर मैं चाहूँ तो npm इंस्टॉल चला के मैं नॉड मॉड्यूल को वापस ले आऊँ, लेकिन नॉड मॉड्यूल क्योंकि गिटहब में जाएगा ही नहीं, ना साइक्लिक को उसकी ज़रूरत है, साइक्लिक अपना खुद बना लेगा, ठीक है। तो मैं स्टिल यहाँ पे npm आई लेकिन चला लेता हूँ, लेकिन चलाने नहीं चलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, और मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि जी ये हेलो वर्ल्ड कोड, और ये मैंने कहाँ पे भेज दिया इसको वापस, उसी जगह पे भेज दिया, यानी कि मेरी अभी अभी जो नई रिपोजिटरी बनी थी वहाँ भेज दिया। चल के देखते हैं जी ये रिपोजिटरी में क्या ये कोड पुश हो चुका है। रिफ़्रेश किया मैंने यहाँ पे आके, ये मेरी रिपोजिटरी में ये कोड पहुँच चुका है, ठीक हो गया, ठीक है, पैकेज डॉट जेसन भी सब कुछ ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेरी रिपोजिटरी में कोड पहुँच गया। यहाँ तक का काम तो आप कई दफ़ा पहले कर चुके हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई कन्फ्यूजन की बात है नहीं। अब मैं जाऊँगा साइक्लिक पे और ये नाम वहाँ पे जाके ना मैं देखता हूँ कि शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं, चलो इसको, सो गया ही। हाँ देखो, शो हो गया ये वाला। अब इस पर मैं जस्ट वन क्लिक करूँगा और ये ऑटोमेटिकली इसको डिप्लॉय करना इसने शुरू कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको करके दिखाया है ना, ये आप सब लोगों ने कल ये करके लाना है, ठीक है। और अगर आप सब लोग ये करके लाएंगे कल, तो मैं आपको कल गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करना भी सिखा दूँगा, ठीक है। गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय करने का तरीका थोड़ा सा इससे लेंदी है, थोड़ा सा उसमें एक एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ती है जो इसमें नहीं बनी, ठीक है। ये डिप्लॉयमेंट पूरी हो गई और यहाँ पे इसने देखो एक URL मुझे क्या दे दिया, बना के दे दिया। इस URL को मैं कॉपी करता हूँ और जब मैं इस URL को हिट करूँगा तो मुझे ये वही सर्वर एक्सेस करके देगा जो मेरे कंप्यूटर में चल रहा था। लेकिन अब की बार ये टाइम कहाँ गला रहा है, नोट कर रहे हो, GMT+0, क्योंकि ये टाइम मैंने सिस्टम से कैट किया था ना, तो अब ये जिस कंप्यूटर में चल रहा है उसका सिस्टम का टाइम जोन है +0, ठीक है। मेरे पास जब था तो ये मेरे पास आता था +5, नोट कर रहे हो। अच्छा, वो तो मैंने सर्वर को रोक दिया ना, अभी मेरा सर्वर जो रुका हुआ है, चल नहीं रहा, उसको मैंने यहाँ से रोक दिया, ठीक है। लेकिन स्टिल अब आप ये URL चलाओगे ना ये वाला, तो ये URL आपको सेम जवाब दे रहा होगा। इसको मैं डाल रहा हूँ sysborg-air पे B9 और ये मैंने URL यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस URL को आप हिट करेंगे, मेरा कंप्यूटर बंद भी हो जाए, रात को 2 बजे भी करेंगे, तो ये आपको जवाब दे रहा होगा, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी ना वो कंप्लीट हो गई। किसकी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई, एक हेलो वर्ल्ड एक्सप्रेस का जो सर्वर है उसको हमने बना के अपने कंप्यूटर में उसको चला के और उसको फिर हमने क्लाउड में डिप्लॉय कर दिया। तो आज हमने ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया आज पूरा का पूरा। अच्छा, इसमें आई होप कि किसी का कोई सवाल क्या नहीं करेंगे, हाँ हाँ नहीं तो यहाँ नहीं आया ना, देखो ना नॉट मॉड्यूल इधर कहाँ आया, नहीं आया। URL चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, साइक्लिक के अंदर एक ऑप्शन होता है URL चेंज करने का, जो हम चाहे नहीं रख सकते, जो उधर अवेलेबल होगा वो रख सकते हैं, हाँ। अच्छा, ये अच्छा सवाल पूछा है प्यारे दोस्त ने हमारे, इन्होंने कहा कि यार ये URL जो उसने दिया ना ये वाहियात सा, क्या ये ऐसा ही रहेगा या ये चेंज हो सकता है। अच्छा, ये जो URL है ना, क्या हो गया इसको, ये जो URL इसने मुझे दिया है busykyanmarshallhem.cyclic.app, तो इसकी जगह ना मैं ये जो busykyanmarshallhem जो है इसकी जगह मैं कोई ऐसा नाम लगा सकता हूँ जो उस पर अवेलेबल हो, लेकिन ये cyclic.app मैं इसमें से हटा नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, cyclic.app अभी पहले तो इसको नाम को ज़रा चेंज करते हैं हम, कहाँ से होता था ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स,
यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होता है बहरहाल इसको चेंज करने का ना। हाँ ये आ गया ना, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि जी हेलो हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड करके जब मैं इसको सेव करने की कोशिश करूँगा ना, तो ये मुझे कर देगा मना, कहेगा भाई कि ये हेलो वर्ल्ड के नाम से किसी ने पहले से कर दिया है। तो मैं हेलो वर्ल्ड के आगे जो है ना डैश करके कुछ नंबर्स लगा दूँगा मैं, अब ये सेव हो जाएगा, क्योंकि होपफुली ये इस तरह का नंबर किसी ने नहीं लिया होगा पहले। ये मुझे मिल गया। अच्छा अब ये साइक्लिक डॉट ऐप को चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे ये नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये फ्री फ्री के अंदर रहते हुए ना जो हो सकता था वो मैंने आपको करके दिखा दिया। अच्छा अगर आपने तो पूरा ही डोमेन, जैसे आपने इसको करना है sysborg.com जो आपका अपना डोमेन है, या आपने करना है मिसाल के तौर पर colgate.com, तो colgate.com के नाम का डोमेन आपको परचेस करना होगा GoDaddy से। इट डोमेन इज़ जस्ट लाइक अ सिम कार्ड, जो आप अपने फ़ोन में जो सिम कार्ड डालते हैं वो नंबर की कॉल आपके सिम में आने लग जाती है। तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा जी colgate.com या sysborg.com, जितने पैसे का भी वो होगा GoDaddy पे या नेमचीप पे आप देखेंगे वो मिल जाएगा। वंस वो आपको मिल जाएगा आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कस्टम कस्टम डोमेन करके कहीं पे आ रहा था ऑप्शन, अभी ये कस्टम डोमेन आ रहा है, ठीक है। यूजिंग कस्टम डोमेन विथ साइक्लिक अलाउड टू मेंटेन कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस, बट ये जो कस्टम डोमेन है ना ये शायद ये फ्री में अलाउ नहीं करता। लगा के देखते हैं ज़रा sysborg.com। हाँ ये पेड वाले पे अलाउ करता है, ठीक है, ये फ्री वाले पे अलाउ नहीं करता। तो ज़्यादातर जो ये क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ना ये क्या करते हैं, जो फ्री में आपको दे रहे होते हैं ना कि जी आप आके मेरे पास अपना कोड फ्री में डिप्लॉय कर लो, तो फ्री में डिप्लॉय करने का मतलब होता है ये आपको थोड़ी सी मार्केटिंग भी करते हैं अपने। अब देखो ये URL किसी को भी भेजोगे आप, ये URL किसी को भी भेजोगे लास्ट में क्या आ रहा है cyclic.app, तो उसको पता चलेगा कि ये भाई साइक्लिक पर डिप्लॉय हुआ है, तो साइक्लिक की थोड़ी सी मार्केटिंग होती है। तो इस वजह से ये कस्टम डोमेन आपको लगाने नहीं देता फ्री में। तो ये जो आप आपको ये शशके दे रहे हैं ना कि जी फ्री में आप डेली के 10-12 यूज़र 15 यूज़र संभाल रहे हैं, अभी आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट की होगी इसके ऊपर, सही साल चल रही है रिक्वेस्ट, तो इतना जो आपको ये फ्री में रिसोर्स दे रहा है अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करने दे रहा है, तो उसके बदले में ये मार्केटिंग आपसे ले रहा है, ठीक है। इंटरनेट पर कोई भी चीज़ फ्री नहीं है जी। स्लैश डॉट स्लैश प्रोफाइल, हाँ ये स्लैश प्रोफाइल है ना, अभी दिखा देता हूँ मैं कैसे आएगा ये। ये मैंने URL खोला, अब तो URL ये वाला हो गया ना URL, एक तो ये स्लैश पे देखो ये आ रहा है, क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब इसमें मैं लगा दूंगा स्लैश प्रोफाइल, एंटर करूँगा तो ये दिस इज़ प्रोफाइल जवाब आया, जवाब चेंज हो गया, सही है। और सर्वर का टाइम आ रहा है, जब भी जब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो सर्वर का जदीद यानी जो लेटेस्ट सर्वर पर टाइम हो रहा है ना वो आएगा इसमें, जब जब रिफ्रेश करूंगा। तो यानी टाइम मैंने इस वजह से लगाया था आपको पता चले कि यार हर दफ़ा रिस्पांस बाकायदा सर्वर से उठ के आ रहा है, ये नहीं हो रहा कि वो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है या कोई दरमियान में कैशे, ये कैशे वैशे नहीं हुआ, ये डायरेक्ट सर्वर से आ रहा है जवाब, ठीक है जी। और किसी का कोई सवाल है इसमें? हाँ क्या लैंड समझा नहीं GMT, नहीं असल में क्या होता है क्लाउड के जितने कंप्यूटर होते हैं ना उसका टाइम जोन वो ज़ीरो सेट करते हैं, क्लाउड पे जितने कंप्यूटर पड़े होते हैं ना उसका वो टाइम जोन ज़ीरो सेट करते हैं, इस तरह का कोई चक्कर है, ताकि वो क्योंकि टाइम जोन न्यूट्रल हो ना, कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी ना दुनिया से तो हम उसको अंदर हैंडल करते हैं, टाइम जोन के मामला हम अंदर अलग से हैंडल करते हैं। हम भी डेटाबेस में भी जो टाइम सेव कराते हैं ना वो माइनस ज़ीरो करके कराते हैं, यानी प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो करके कराते हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई पोस्ट करूँगा ना तो मैं टाइम को GMT प्लस 5 में सेव नहीं कराऊँगा डेटाबेस में, मैं GMT प्लस 5 में से माइनस 5 मारूँगा और ज़ीरो करके सेव कराऊँगा डेटाबेस में, और जो भी उस पोस्ट को गेट करेगा ना मैं उसके हिसाब से कन्वर्ट मार के उसको टाइम भेजता हूँ। या हम देखेंगे आगे, इसको वो कहते हैं हम, इसको ई पोस्ट कहते हैं, यस मिली सेकेंड में हम सेव कराते हैं, वो माइनस ज़ीरो होता है, प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो होती है, ठीक है जी। इतना काम हो जाएगा जी भाई ये काम। हाँ नहीं अच्छा अभी तो देखें फ़ायदा नुकसान अभी हमने देखा नहीं है, हमने अभी ये देखा है कि एक हेलो वर्ल्ड सर्वर को बनाना कैसे और क्लाउड पर डिप्लॉय कैसे करना है।
अभी सर्वर से क्या कुछ कर सकते हैं वो हमने एक्सप्लोर नहीं किया, वो अभी हम इंशाल्लाह अगली क्लास से करेंगे कि सर्वर पे क्या कुछ पॉसिबल है जो फ्रंट एंड पे नहीं हो सकता, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। चलो भाई ये करके लाना अगली क्लास में सब लोग। चलो अल्लाह हाफिज़।